सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसके डीटीएच पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस फ्रीक्वेंसी पर आपको सिग्नल मिलाना चाहिए जिससे कि आपका डीडी फ्रीडिस बहुत ही आसान तरीके से सिग्नल ले पाएगा। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में आपके जो सिग्नल है वो कट जाते हैं या फिर वीक आने लग जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं सिग्नल। उसकी वजह क्या है दोस्तों? उसकी मेन जो वजह होती है वो पूरी हम आज इस वीडियो के अंदर जान पाएंगे। और गाइस, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करते बनिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक मिलती रहे। तो गाइस बात करते हैं नो सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑन डीडी फ्रीडिस एमपीजी 2 और एमपीजी 4 बोथ बॉक्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं अभी एमपीजी 2 बॉक्स के लिए नो सिग्नल प्रॉब्लम कैसे आपको ठीक करना है। ठीक है, और वो फ्रिक्वेंसी कौन सी है और कैसे आपको इसको सेटअप करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको किसी भी चैनल पर चले जाना है। ठीक है, किसी भी चैनल पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, मेन्यू बटन को दबाना है। ठीक है, मेन्यू बटन सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon। दबाने के बाद आपको चले जाना है प्रोग्राम सेटअप पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको ओके प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे पैरामीटर सेटअप वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे 0.5750 10600 है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपकी LNB फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0.5750 नहीं है, अगर 0.5150 0.5150 है तो वो अलग बात है। ठीक है, उसको आपको नहीं छेड़ना है क्योंकि दो बॉक्स होते हैं एमपीजी 2 बॉक्स के लिए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप पैरामीटर सेटअप के अंदर एंटर होंगे तो आपके सामने ये फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी जब आए तभी ये प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, अन्यथा 0.1 वाली फ्रीक्वेंसी आती है, 0.50 वाली, तो उसके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, सीधे से बैंक हो जाना। ठीक है, यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा कि आपके जो 0.5750 वाला बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए गाइस, आपको मैं एक बात बता दूँ, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, मेन्यू बटन दबाना है, उसके बाद में आपको चले जाना है प्रोग्राम इंफॉर्मेशन पर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पे इसकी सिग्नल की रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे LNB फ्रीक्वेंसी 0.5750 है और जो ट्रांस फ्रीक्वेंसी है 51.50 11.550 है और सिंबल रेट 29,400। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी दोस्तों आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा सिग्नल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो गाइस इस फ्रीक्वेंसी का आप यूज करके आसानी से बहुत ही अच्छे सिग्नल अपनी डीडी फ्रीडिस पर ला सकते हैं। ठीक है, वो भी आप थोड़ी सी छतरी हिलाएंगे, अपनी डिश एंटीना को हिलाएंगे तो आपके डीडी फ्रीडिस पर काफ़ी सारे सिग्नल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये फ्रीक्वेंसी आप नोट कर लीजिए, इस फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपको अपने डीडी फ्रीडिस का सिग्नल लाना। ठीक है, अब गाइस मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 0.5150 वाले बॉक्स के अंदर कौन सी फ्रीक्वेंसी होते हैं, उसके थ्रू हम जो कि सिग्नल है वो नो सिग्नल की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो गाइस ये फ्रीक्वेंसी अगर आपको सही लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।